हेलो फ्रेंड्स, रेलवे गुरु चैनल पर आपका स्वागत है। फ्रेंड आज जो हम वीडियो लाए हैं वो NVS के लिए जनरल कंप्यूटर लेके आए हैं। फ्रेंड काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं, 20 क्वेश्चन का समावेश है। फ्रेंड्स हो सकता है शायद इसमें से ही पूछ लें, तो फ्रेंड सारे क्वेश्चन रट लीजिए फ्रेंड्स, और चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड वीडियो को जरूर लाइक करें, इससे क्या हमें प्रोत्साहन मिलता है अच्छे अच्छे वीडियो बनाने का। तो अभी हम NVS की स्टडी करा रहे हैं स्टूडेंट को, तो हम पार्ट वाइज सारी वीडियो लाएंगे। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड, डिटेल शॉर्टकट टू ब्रिंग पैराग्राफ टू द सेंटर, पैराग्राफ को सेंटर में लाने के लिए शॉर्टकट बताइए। तो आपने आंसर देख लिया होगा Ctrl+L, Ctrl+C, Ctrl+E, तो इसका आंसर है Ctrl+E। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, USB का पूरा नाम क्या है। तो इसका जो आंसर है आप देख रहे हैं, ऐसे ही पूछा जाएगा कंफ्यूजिंग, तो इसका जो आंसर है मैं बता दूँ, यूनिवर्सल सर्वर सीरियल बस इसका फुल फॉर्म होता है। क्वेश्चन 3 देखते हैं फ्रेंड, एक्सेल वर्कबुक इज ए कलेक्शन ऑफ, एक्सेल वर्कबुक इसका संग्रह है चार्ट का, वर्कशीट का, वेब पृष्ठों का, या दोनों वर्कशीट और वर्ड्स का, चार्ट्स का। तो इसका जो सही आंसर है फ्रेंड, दोनों वर्कशीट और चार्ट्स का समावेश है एक्सेल वर्कबुक, जो कि संग्रह है इन दोनों का। चलिए फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड, पेजिंग की अवधारणा किससे संबंधित है फ्रेंड्स। तो किससे है फ्रेंड पेजिंग की अवधारणा, वर्चुअल मेमोरी, मेमोरी एलोकेशन, या डेडलॉक प्रिवेंशन, या मेमोरी मैनेजमेंट पद्धति। तो इसका जो सही आंसर है वो है मेमोरी मैनेजमेंट पद्धति। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स हम, फ्रेंड इनमें से कौन से IP एड्रेस रोज़ नहीं बदलते हैं, इनमें से कोई नहीं, स्टैटिक IP एड्रेस, डायनामिक IP एड्रेस, या URL, कौन सा हो सकता है फ्रेंड जो रोज़ नहीं बदलते हो। तो इसका जो सही आंसर है वो है स्टैटिक IP एड्रेस, ये सेम ही रहते हैं। सिक्स क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड, सिक्स क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अवस्था प्रस्तुत करने और पूरा होने के बीच के अंतराल का प्रतिनिधित्व करता है, कार्यक्षमता समय, प्रतिवर्तन समय, प्रतीक्षा समय, या अनुक्रिया समय, क्या हो सकता है। चलिए मैं आंसर बता रहा हूँ, परिवर्तन समय। फ्रेंड जब भी मैं क्वेश्चन बोला करूँ आप क्वेश्चन निकालने की सॉल्व करने की कोशिश करा करें वीडियो पॉज करके। सेवन क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, तो इनमें से कौन सा व्यू दस्तावेज के पूर्व पीठिका का रंग नहीं दिखाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग व्यू डजंट शो द बैकग्राउंड कलर ऑफ ए डॉक्यूमेंट, प्रिंट प्रीव्यू, वेब लेआउट व्यू, या प्रिंट लेआउट व्यू, या रीडिंग व्यू। चलिए आंसर देख लेते हैं इसका, इसका आंसर है प्रिंट प्रीव्यू। एट क्वेश्चन देखते हैं, एट क्वेश्चन है फ्रेंड, निम्न में से कौन सा कमांड आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है, MS-DOS, विंडो XP, विंडो 98, विंडो 95। चलिए आंसर देख लेते हैं, इसका आंसर है MS-DOS ऑपरेटिंग सिस्टम, एक कमांड आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है। नाइन्थ क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड, नाइन्थ क्वेश्चन में, इनमें से कौन सा गैर अंकीय आंकड़ों का एक उदाहरण है, सामाजिक सुरक्षा संख्या, पता, परीक्षा के अंक, या सभी हैं। तो इसका जो आंसर है वो है पता, जो कि एक अंकीय आंकड़ों का एक उदाहरण है कंप्यूटर लैंग्वेज में। टेंथ क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड, निम्नलिखित में से कौन सा ब्रॉडबैंड ट्रांसमिशन माध्यम है, समाज क्षेत्रीय केबल, उपग्रह संचार, ऑप्टिकल फाइबर केबल, या ये सभी। चलिए आंसर देख लेते हैं, इसका आंसर है ऑल ऑफ द एबव, प्रोक सभी आंसर है। चलिए ग्यारहवां क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड, ग्यारहवां क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा एक इंटरनेट वर्क है, मैन, वैन, लैन, या ये सभी हैं। फ्रेंड क्या हो सकता है, तो प्रोक सभी, ये सारे इंटरनेट नेटवर्क हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इनमें से कौन सा डाटाबेस का अवयव नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ डाटाबेस, यूज़र डाटा, रिपोर्ट, मेटा डाटा, या स्कीम, क्या हो सकता है फ्रेंड। चलिए आंसर बता दूँ, रिपोर्ट डाटाबेस का अवयव नहीं है। तेरहवां क्वेश्चन देखते हैं, तेरहवां क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा प्रोग्रामिंग भाषा का अनुवादक नहीं है, असेंबलर, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, या लोडर, क्या हो सकता है फ्रेंड। चलिए आंसर बता रहा हूँ, इसका आंसर है लोडर, भाषा का अनुवादक नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड, इनमें से कौन सा डेटाबेस तालिका से कुछ डेटा प्राप्त करने के लिए उपयोग किया जाता है, रिकॉर्ड, टैग, कैरी फील्ड। चलिए इसका आंसर बता दूं फ्रेंड, कैरी उपयोग किया जाता है, डाटाबेस तालिका से कुछ डेटा प्राप्त करने के लिए कैरी का यूज किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड, इनमें से कौन सा ई कॉमर्स का प्रकार नहीं है, ई कॉमर्स, तो आभासी व्यापार, विज्ञापन, व्यापार भंडार, क्या है फ्रेंड। तो इसका जो आंसर है वेयर हाउसिंग, जो कि ई कॉमर्स का प्रकार नहीं है। सोलहवां क्वेश्चन देखते हैं, सोलहवां क्वेश्चन है फ्रेंड, समय में आलेख की शुरुआत करने के लिए किस कुंजी का उपयोग किया जाता है, F5, होम, पेज अप, या F4। चलिए इसका आंसर है होम, समय में आलेख की शुरुआत करने के लिए होम की कुंजी का उपयोग किया जाता है। चलिए 17 क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, इनमें से विषम का चयन कीजिए, पिक द ऑड वन आउट। फ्रेंड बहुत ही अच्छे क्वेश्चनों का समावेश किया है मैंने, एक एक करके पूरी कंप्यूटर से ले लिया है, तो इन्हें सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा और वीडियो को प्लस लाइक करते रहिएगा।
विषम का चयन करें .organization.com.nic.in या .mil क्या हो सकता है फ्रेंड ऑड वन, तो इसका जो आंसर है .nic.in। अगला क्वेश्चन देखते हैं 18 क्वेश्चन फ्रेंड, ऑपरेटिंग सिस्टम में त्रुटि के कारण क्या हो सकता है, सिस्टम में अवैध पहुंच, सिस्टम अस्थिरता, सिस्टम खराब, उपरोक्त सभी, तो इसका आंसर है उपरोक्त सभी। 19 क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड, 19 क्वेश्चन है प्रदर्शन में स्लाइड्स प्रदर्शित करने के लिए लगाए गए स्पेशल इफेक्ट को क्या कहा जाता है, ट्रांसमिशन, एनोटेशंस या एनिमेशंस या पैटर्न्स, क्या हो सकता है फ्रेंड, चलिए इसका आंसर बता दूँ, इसका आंसर है ट्रांसिजन, ट्रांसिजन का यूज किया जाता है स्पेशल इफेक्ट को स्लाइड में। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, क्लिप बोर्ड या कॉपी बफर से टेक्स्ट डालने के लिए किस रूप में संदर्भ किया जाता है, सेलेक्ट, पेस्ट, कॉपी कट, आपको पता होगा, चलिए इसका आंसर है फ्रेंड्स, तो इसका आंसर है पेस्ट, बिल्कुल सही आंसर है फ्रेंड। एक क्वेश्चन मैं आपके लिए देता हूँ फ्रेंड, वीडियो के नीचे हमें कमेंट करके बताइएगा, सुपर कंप्यूटर की स्पीड किस में नापी जाती है, तो हमें प्लीज़ कमेंट करके कमेंट करिए इस वीडियो के नीचे, कहीं से भी आप इंटरनेट से देख के लाएँ या कहीं से भी आपको पता हो तो आप कमेंट करिए। चलिए फ्रेंड्स अगले वीडियो के साथ एक बार फिर हम हाजिर होंगे, थैंक यू वेरी मच।